नमस्ते प्यारे दोस्तों, द्रोणा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सविता। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं शुक्लगत रोगों के प्रकारों के नाम याद रखने का अच्छा सा आसान सा तरीका। तो यह जो शुक्लगत रोग है, यह शालाक्य सब्जेक्ट का विषय है। तो यहाँ पे शालाक्य सब्जेक्ट के जो भी अध्याय अगर आप लोग देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्रकारों के नाम आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। MCQ की दृष्टि से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक लेसन में कौन सा नाम कौन से प्रकारों के अंतर्गत आया है वह याद रखना है। तो आज हम लोग शुक्लगत रोग के बारे में देखेंगे, उसके प्रकारों के नाम किस तरीके से हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं वह हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि सुश्रुताचार्य जी ने और वाग्भट जी ने कितने प्रकार बताए हैं। सुश्रुताचार्य जी ने 11 प्रकार बताए हैं और वाग्भट जी ने 13 प्रकार शुक्लगत रोगों के बारे में बताया है। तो यहाँ हम लोगों को याद रखने के लिए 3 लाइंस में आपको याद रखना है। इसमें एक छोटी सी स्टोरी है, तो देखो किस तरीके से यह रहने वाला है। तो सबसे पहली लाइन आपको याद रखनी है, श्लोक ने अधिक स्नायु पर आराम किया। श्लोक एक लड़का है जो क्या करता है, अधिक स्नायु पर आराम करता है। स्नायु एक मानो बिस्तर है, वहाँ पे वो जाके आराम करता है। फर्स्ट लाइन में आपको अर्म याद रखना है, आराम से, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन है वह आपको 5 प्रकार के अर्म के बारे में बताने वाली है। तो श्लोक से आपको याद रखना है, श से शुक्ल अर्म और लो से लोहित अर्म। फिर अधिक स्नायु पर, अधि से हो जाता है अधिमांस अर्म, स्नायु एज इट इज स्नायु अर्म, और प्रस्तारी अर्म के लिए पर, अधिक स्नायु पर आराम किया, ठीक है, पर से प्रस्तारी अर्म। तो इस तरीके से 5 अर्म के प्रकार हम लोगों ने देखे हैं फर्स्ट लाइन से। तो क्या होता है यहाँ पे श्लोक को, नेक्स्ट लाइन में देखो, तो उसकी सीरा पर जाली और पीड़ा उत्पन्न हुई। वह स्नायु पे सोया था, आराम कर रहा था, उस पे क्या होता है, तो सीरा पर जाली और पीड़ा उत्पन्न हुई। इससे हो जाता है सीरा जाल और सीरा पीड़का। तो इस तरीके के 2 आप लोगों ने फिर से शुक्लगत रोग के प्रकारों के नाम याद रख लिए। लास्ट लाइन में देखो क्या होता है, अर्जुन ने बलपूर्वक शुक्तिका पिलाई। तो अर्जुन क्या करता है वहाँ पे, फोर्सफुली मतलब बलपूर्वक शुक्तिका पिलाता है, जो एक औषधि फॉर्म में है, उसकी जो पीड़ा वगैरह है वो ठीक होने के लिए। तो वो अर्जुन क्या करता है, फोर्सफुली मतलब बलपूर्वक शुक्तिका पिलाई। तो अर्जुन एज इट इज रह जाएगा। बलपूर्वक से आपको याद रखना है बलास्ग्रथित, शुक्तिका एज इट इज शुक्तिका, पिलाई से आपको याद रखना है पिष्टक। तो इस तरीके से लास्ट लाइन में आप लोगों ने 4 याद रखे हैं। तो फर्स्ट लाइन में 5, देन सेकेंड लाइन में 2 और फिर बाद में 4। इस तरीके से हम लोगों ने 11 शुक्लगत अर्म के, शुक्लगत रोग के बारे में सुश्रुताचार्य जी के अनुसार देखा। वाग्भट जी ने 13 बताए हैं, उसमें से 2 अधिक कौन से हैं, तो है सीरोत्पात और सीरा हर्ष, सीरोत्पात और सीरा हर्ष। तो इस तरीके से शुक्लगत रोग के बारे में हम लोगों ने देखा, उसके नाम के बारे में। अभी आप लोगों को इसमें जो दोषज प्रिडोमिनेंस है, दोष प्रधानता कौन कौन सी है वह हम लोग देखेंगे। तो देखो सबसे पहले जो 5 अर्म है उसमें का पहला जो है श्लोक, शुक्ल अर्म वह है कफज के। देन आपको याद रखना है लोहित अर्म है, लोहित से हो जाता है रक्त, मतलब कि रक्तज, वहां पे रक्तज वह प्रकार है। नेक्स्ट स्नायु, फिर अधिमांस और प्रस्तारी, ये तीनों के तीनों सन्निपातज है। नेक्स्ट सेकेंड लाइन का जो हम लोगों ने देखा था सीरा जाल और सीरा पीड़िका, ये इसमें का जो सीरा जाल है वह रक्तज है और सीरा पीड़िका जो है वह है सन्निपातज। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बलास्ग्रथित जो है वह कफज है, अर्जुन है रक्तज, पिष्टक है कफज और शुक्तिका है पित्तज। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो दोष प्रधानता है इन रोगों में वह भी हम लोगों ने देखा है। अभी इनमें सभी में से आप लोगों को ध्यान देना है, जो फर्स्ट 2 लाइंस थी वो दोनों के दोनों लाइंस में जो भी शुक्लगत रोग के बारे में आप लोगों ने देखा वह सभी के सभी छेदन साध्य व्याधि थे। मतलब कि वहाँ पे पाँचों के पाँचों अर्म, सीरा जाल, सीरा पीड़का, यह छेदन साध्य है। नेक्स्ट जो लाइन, लास्ट लाइन जो हम लोगों ने देखी वह है अशस्त्रकृत औषध साध्य व्याधि।
तो इस तरीके से यह भी हम लोगों ने एमसीक्यू इस छोटे से ट्रिक में याद कर लिया है। तो यहाँ पे मेन फोकस इसी तरीके से होता है, प्रकारों के नाम, दोष प्रधानता और कौन से शस्त्र साध्य व्याधि वह है वह आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आसान से कोड के साथ या शुक्लगत रोग या के नाम याद रखे हैं और साथ ही साथ और भी एमसीक्यू की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वह भी देखे। तो इस तरीके की आपको आसान से कोड के साथ जो भी प्रकारों के नाम याद रखने हैं उसको और भी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए और अधिक जानकारी के लिए आपको विजिट करना होगा www.dronaayurveda.com पर। धन्यवाद।